हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राज्य और राजधानियां। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टेट्स एंड कैपिटल्स देखने वाले हैं। स्टेट एंड कैपिटल्स क्या हम कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से याद कर सकते हैं? पूरे 28 स्टेट को हम पूरी तरह से क्या अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट? ठीक है, जैसे ही कोई नाम बोले वैसे हम तुरंत उनको आंसर दे, और ये मात्र होने वाले हैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर। ठीक है, 10 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को ये टोटल का पूरा याद करा के दिखाऊंगा। यहाँ पे 21 है, इसके बाद मैं और लिखूंगा टोटल करके, मैं 28 आपको आज ही इसी वीडियो में करके दूंगा। और बने रहिए इस वीडियो तक लास्ट तक, और देख के जाइए कौन सी ट्रिक है जिसने 10 मिनट के अंदर हम पूरी की पूरी इंडियन की स्टेट के उनके कैपिटल्स के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसके ट्रिक्स तो और ज्यादा इससे हार्ड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि वो कौन सी ट्रिक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी स्टेट्स के कैपिटल्स को हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। तो फर्स्ट है तमिलनाडु। पहला क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्या है? चेन्नई। इसको कैसे याद करेंगे? ठीक है, तमिलनाडु का चेन्नई है, कैसे याद करेंगे? अभी मैं इसको रटने बैठता हूँ। ठीक है, मैं इसको रटने बैठता हूँ। तमिलनाडु, चेन्नई, बिहार, पटना, राजस्थान, जयपुर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, तेलंगाना, हैदराबाद, नागालैंड, कोहिम। कितनी देर तक पढ़ना? पढ़ भी लिया, याद भी हो गया। इसको याद करने में कम से कम 2-3 दिन लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 1-2 महीने बाद मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, बट ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से देखिए, अभी 10 मिनट के अंदर आप पहले एक वीडियो देखिए और पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, और अपने भाई को बोलिए पूछ मुझसे, और देखिए आप क्या कमाल करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है? चेन्नई। अब आपको अगर मेरी ट्रिक अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो आपको तुरंत याद आता होगा कि तमिलनाडु से मैंने वर्ड बनाया था मिलना। ठीक है, तमिलनाडु से क्या वर्ड बनाया था? मिलना। तो मिलन चेन्नई, तो किसे याद करेंगे कि आपको बिना मिले चैन नहीं पड़ता। आपको बिना मिले चैन नहीं पड़ता, किससे बिना मिले वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, हर एक की पर्सनल लाइफ है, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो आप का मन नहीं लगता, क्या नहीं लगता, सॉरी, आपका बिना मिले, ठीक है, बिना मिले आपका चैन नहीं पड़ता, आपको चैन नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे देखो मन याद आ गया। ठीक है, मन से मैंने बनाया था। तो तमिलनाडु, आपको बिना मिले क्या नहीं मिलता है? चैन नहीं आता है। नेक्स्ट बिहार। बिहार से क्या है? पटना। बिहार से मैंने हार बनाया था। ठीक है, हार, तो हार से क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कैसे बना सकते हैं कि आप हार गए किसी को पटाने में। आप क्या हो गए? हार गए किसी को पटाने में। अब किसको पटा रहे थे? पता नहीं। ठीक है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो बिहार, पटना, तो आप हार गए किसी को क्या करने, पटाने में आप क्या हो गए? हार गए। तो बिहार का क्या हो जाएगा? पटना। नेक्स्ट राजस्थान से जयपुर। राजस्थान से क्या है? जयपुर। तो राजस्थान से मैंने बताया था राजा का स्थान, तो अब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि राजा के स्थान, राजा अपने स्थान पे बैठा था, राजा अपने स्थान पे बैठा था, प्रजा पूरी की पूरी प्रजा क्या कर रही थी? जय जयकार कर रही थी। जय जयकार कर रही थी पूरी प्रजा, जय जयकार कर रही थी। कौन कर रहा था? पूरी प्रजा। पूरी प्रजा क्या कर रही थी? जय जयकार कर रही थी। जय जयकार कौन कर रहा था? पूरी प्रजा, तो जयपुर। ठीक है, पूरी प्रजा क्या कर रही थी? जय जयकार कर रही थी, तो जयपुर। ठीक है, राजस्थान का क्या हो जाएगा? जयपुर। नेक्स्ट उड़ीसा। उड़ीसा का क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर कैसे याद करेंगे इसको? ओडिशा से मैंने डिश बनाया था। क्या बनाया था? डिश। ओडिशा से मैंने क्या बनाया था? डिश। तो अब आप ऐसा इमेजिन करिए कि डिश, ओडिशा, डिश, डिश को भगवान ने भून दिया, भून दिया। ठीक है, कोई ऐसा डिश इसको भून दो। ठीक है, भून दो, जैसे गांव में बोलते हैं ना, इस लैंग्वेज में इसको भून के खाया जाता है। ठीक है, चने को भून के खाया जाएगा, तो वही है भून। ईश्वर ने क्या किया? भून दिया। किसको? डिश को। डिश को क्या किया? भून दिया ईश्वर ने। भुवनेश्वर, भू ईश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर हो गया। ठीक है, भून दिया ईश्वर ने ओडिशा। नेक्स्ट तेलंगाना। तेलंगाना क्या है? हैदराबाद। यहाँ पे दो होते हैं, ठीक है, एक तेलंगाना है और एक आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दोनों का कैपिटल एक ही है, आगे चल के वो चेंज होगा, लेकिन अभी तो एक ही, तो फिलहाल याद कर लेते हैं। हैदराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। देखिए 2-1 मिनट में कैसे याद होता दोनों। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना को हम पढ़ेंगे तेल लगाना। तेलंगाना को क्या पढ़ेंगे? तेल लगाना। आंध्र प्रदेश को बोलेंगे अंधा आदमी। ये लोगों को तो आपको पता ही है, ठीक है, अंधा आदमी, आंध्र प्रदेश। तेल लगाना, तेलंगाना। सुनिए ट्रिक, सुनिए। तेलंगाना, हैदराबाद, हैदराबाद को हम बोलेंगे चंद्राबाद। क्या? चंद्राबाद। चंद्रा आप लोग सब जानते रहोगे, ठीक है, उम्मीद करता सब लोग जानते हैं चंद्रा। तो हैदरा से क्या हो जाएगा? चंद्रा। तो चंद्राबाद। अब आप अपने घर पे अपनी मम्मी को, अपने भाई को, जिसको भी बोल रहे हो, मुझे तेल लगाना, मुझे तेल लगाना, कब? जब मैं चंद्रा
ओढ़ने के बाद, चदरा ओढ़ने के बाद मुझे तेल लगाना, क्या करना मुझे, चदरा हैदराबाद, चदरा ओढ़ने के बाद, चदरा ओढ़ने के बाद, तो चदरा ओढ़ने के बाद हैदराबाद तेल लगाना, चदरा ओढ़ने के बाद ही मुझे तेल लगाना। नेक्स्ट, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से क्या हो जाएगा, एक अंधा आदमी, एक आदमी सॉरी एक आदमी अंधा हो गया, एक आदमी अंधा हो गया, कब अंधा हो गया, जब उसने चदरा ओढ़ा, चदरा ओढ़ने के बाद वो आदमी क्या हो गया, अंधा हो गया, ठीक है, जैसे उसने चदरा ओढ़ा वो क्या हो गया, अंधा हो गया, तो हैदराबाद। कितनी अच्छी ट्रिक है, देखिए जरा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेल लगाना, चदरा ओढ़ने के बाद हैदराबाद, अंधा हो गया आदमी कब, चदरा ओढ़ने के बाद, तो हैदराबाद, ठीक है। तमिलनाडु, मिलने बिना चैन नहीं आता, बिहार हार गया किसी को पटाने में, राजस्थान, जयपुर पूरा प्रजा क्या करे, जय जयकार करे, उड़ीसा भगवान ने क्या किया, भून दिया भुवनेश्वर, तेलंगाना, हैदराबाद, नागालैंड, नागालैंड को पढ़ते देखिए, नागालैंड का है कोहिमा। अब आप ऐसा मान लीजिए कि आप अपने छोटे भाई के साथ जा रहे थे, ठीक है, आप अपनी मम्मी के साथ जा रहे थे, ठीक है, आप अपनी मम्मी के साथ जा रहे थे कहीं पे, तो आपने एक जगह नाग देखा, क्या देखा, नाग, इमेजिन करिए, इमेजिन, जितना ज्यादा इमेजिन करेंगे उतना ज्यादा, एक ही चीज बार बार बोलिए, ठीक है, इमेजिन करिए नागालैंड, तो आप जा रहे थे अपनी मम्मी के साथ, आपने नाग देखा, तो आपने मम्मी को बोला, आपने झाड़ी में देखा नाग को, तो आप अपनी मम्मी को बोलो, मम्मी मम्मी रुक, कोई है, ठीक है, कोई है माँ, अपनी माँ को क्या बोलो, कोई है माँ, झाड़ी के पीछे कोई है माँ, आपने ऐसा माँ को बोला, तो माँ ने बोला नहीं चल घर पे कुछ नहीं, ठीक है, तो आपने क्या बोला, नाग को देखिए मम्मी को, कोई है माँ, तो कोई है माँ से क्या हो जाएगा, कोई माँ। नेक्स्ट, मेघालय, मेघा, मेघालय को मैंने आपको बताया था मेघा है, ठीक है, इसका ट्रिक मेघा है, तो मेघा शिलांग, मेघा क्या है, शिलांग। अब यहाँ पे देखिए मेघा शिलांग, अब यहाँ पे एक वर्ड बनता है सी लांग, दो वर्ड में, ठीक है, आपने मेघा को बोला, मेघा तू पूरी की पूरी सिप को, सिप से, सी से सिप, ठीक है, सिप को लांग सकती है क्या, लांग, लांगना मतलब पूरा लांग देना, ठीक है, वो साइड हो जाना, तो मेघा को आपने क्या बोला कि सिलांग, पूरी की पूरी सिप को क्या कर, लांग के दिखा मुझे, मेघा को क्या बोला आपने, पूरी की पूरी सिप को क्या कर, लांग के दिखा मुझे, आपने उसको ऐसा चैलेंज दिया, ठीक है। नेक्स्ट, तो मेघालय का क्या हो जाएगा, शिलांग, क्यों, क्योंकि आपने मेघा को क्या बोला था, सिप, सिप मुझे लांग के दिखा। नेक्स्ट, सिक्किम, सिक्किम का क्या है, गांगटोक, सिक्किम का क्या है, गांगटोक, सिक्किम, काम, सिक्किम को बार बार बोलोगे तो यहाँ पे काम हो रहा था, क्या होता है, काम, तो आप जब भी काम पे जाते हो तो गंगा नाम की लड़की जो आपको क्या करती है, टोक देती है, क्या करती है, टोक देती है, रोक देती है, टोक, टोकना मतलब आप सब समझते हो, ठीक है, तो जब भी आप काम पे जाते हो तो गंगा नाम की लड़की जो क्या करती है, आपको टोक देती है, ठीक है, तो गंगा नाम की लड़की ने क्या किया, टोक दिया, गांगटोक। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बनता है पक्षी, बांग्ला क्यों नहीं बनाया मैंने, बंगला ही बना सकता था, इसे क्यों नहीं बना, क्योंकि बांग्ला से हम याद करते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बड़े बांग्ले को ढाक दिया था, देखिए इस तरह से याद किए थे हम लोगों ने, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया, तो पश्चिम से क्या हो जाएगा, पक्षी, तो पक्षी से क्या बन रहा है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल का कैपिटल क्या है, कोलकाता, कैसे याद करेंगे, देखिए पक्षी जो है वो कोल खाता है, कोल मतलब कोयला, ठीक है, कोल, सी ओ एल, कोल, कोल खाता है मतलब कोयला, तो पक्षी क्या खाता है, कोल खाता है, तो कोलकाता, कोल खाता, कोल खाता, कोलकाता, कितना इंटरेस्टिंग है, कोल खाता, तो पक्षी क्या करता है, कोल खाता है। मिजोरम, आइजोल, मिजोरम का क्या है, आइजोल, तो आइए कैसे याद करते हैं इसको, मिजोरम, यहाँ पे देखिए मिजोरम, मजा राम, मिजोरम को वर्ड ब्रेक करेंगे, कॉमेडी बनाएंगे, तो मजा राम, मजा राम, मजा आता है राम को किसको चिढ़ाने में, मजा आता है राम को किसको चिढ़ाने में, काजोल को, ठीक है, काजोल, आइजोल, ठीक है, काजोल, काजल को चिढ़ाने मजा आता है, तो काजल से क्या हो जाएगा, काजोल, आइजोल, ठीक है, तो मजा आता है राम को, आइजोल, काजल को चिढ़ाने में, इमेजिन करिए, इमेजिन, जितना ज्यादा इमेजिन, इस वर्ड को लेके इमेजिन करना है, ना कि बैठे बैठे इमेजिन करना है, इस वर्ड को सोचना है, मजा आता है राम को, जैसे इस वर्ड को देखिए, तमिल मिलना, बिहार हारना, राजा का स्थान, डिस तेल लगाना, नागा नाग को देखा, मेघा को बोला, सिक्किम काम, आंध्र प्रदेश अंधा आदमी, पश्चिम पक्षी, तो पक्षी, जैसे इस वर्ड को अगर एक बार स्टोरी बनाइए, सेकंड टाइम सिर्फ इसके नाम को देखिए, अपने आप ऑटोमेटिक आपका दिमाग वर्क करता है, जैसे आप इस वर्ड को, मिलन, तो मिलना, तमिलनाडु, मिलन, मिलन किसके बिना, मिले बिना चैन नहीं आता, ठीक है, चेन्नई नहीं आता, चैन नहीं आता, बिहार हार गए, पटना, इस तरह से, ठीक है, तो मिजोरम हो गया, गुजारा रात गांधी जी के साथ,
गुजरात का गांधीनगर, तो मैंने गुजारा रात किसके साथ, गांधी जी के साथ, तो गांधीनगर। ठीक है, मैंने गुजारा रात गांधीनगर गांधी जी के साथ। झारखंड, एक झाड़ था, झाड़ झारखंड से झार होता है, ठीक है, एक झाड़ था बहुत हिल रहा था, तो हिल रहा था तो आप डर गए, आपने बोला कि झाड़ में क्या है, तो आप गए उस झाड़ को जोर से पकड़ के हटा दिए, मतलब हिला दिया इसे, और जैसे आपने उस झाड़ को हटाया वहां से आपके घर की चाची निकली। कौन निकला? चाची, बुरा मत मानिए, ठीक है, बस ये याद कराना मुझे, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ, ठीक है, किसी और की चाची निकली, आपके अपने घर की चाची नहीं, ठीक है, चलिए। तो झारखंड, तो झाड़ को आपने हिलाया तो चाची बाहर आई, कौन बाहर आया? चाची, तो चाची से क्या हो जाएगा? रांची, चाची से क्या हो जाएगा? रांची, तो रांची, झार रांची, झारखंड, झाड़ को आपने जोर से हिलाया तो कौन निकला बाहर? चाची निकली, चाची से रांची। त्रिपुरा, तीर पूरा, आपने अपने दोस्त को चैलेंज दिया, ऐसे तीर खींचा, बोला कि चल तेरे अंदर दम है तो इस तीर को पूरा, पूरा मतलब तीर को पूरा ऐसा छोड़, मतलब तू तो तीर को क्या कर दे, छोड़ दे, अगर यह तालाब के, अगर तालाब क्या, अगर तालाब, अगर यह तालाब के उस पार गया तो मैं तालाब में कूद जाऊंगा। ठीक है, कितना कॉमेडी बना सकते हो उतना बनाइए। आपने उसको बोला कि अगर ये तीर तूने पूरा छोड़ा और ये अगर तालाब के उस पार गया तो मैं तालाब में चले जाऊंगा, अगर तालाब, तो अगर तालाब, इमेजिन करिए, इमेजिन करिए, अगर तालाब। नेक्स्ट केरल, केरल का क्या है? त्रिवनाथपुरम, ये बहुत डिफिकल्ट है, आप मुझे बना के दिखाएंगे, मैं तो तुरंत बता सकता हूँ लेकिन आप बनाइए, ठीक है, थोड़ा समय हिंट दे देता हूँ, केरल से होता है करेला, केरल से क्या होता है? करेला, ये अगर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको तो सबको पता है केरल से करेला होता है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ऐसा बना लिया, ठीक है, केरल से करेला। तो त्रिवनाथ, अनाथ, यहाँ अनाथ वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? अनाथ। तो आप अब मुझे बताइए, ठीक है, नीचे कमेंट करिए कि अनाथ से कैसे आप बना सकते हो, केरल करेला अनाथ बनाइए। चलिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपने एक आईएएस का क्वेश्चन पूछा, आपने एक यूपीएससी, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा, आप बाल कटा रहे थे, आपने एक यूपी यूपीएससी का, आपके अपने दोस्त से पूछा, आपका दोस्त पीछे बैठा था, आपने अपने दोस्त से पूछा चल ठीक है मुझे बता दे, उसको आपने एक यूपीएससी का क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया, ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछ लिया, हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ लिया, आपने कुछ भी पूछ लिया, चलिए ठीक है, उसको पूछ लीजिए काराकोरम का पठार किधर है, ठीक है, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी किधर है, उसको पूछ लिया, केटू पर्वत किधर है, तो आपने जैसे उसको पूछा कि केटू किधर है, तो उस आपके फ्रेंड ने बताया उस आंसर, उस आंसर को, मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा केटू कहाँ पे है, तो आपके दोस्त ने नहीं बताया, उस नाऊ ने बता दिया, किसने बना दिया, उस नाऊ ने, जो नाऊ आपका बाल काट रहा था उस नाऊ ने बता दिया, तो नाऊ लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, नाऊ किसने बता दिया, नाऊ ने बता दिया, तो लखनऊ, नाऊ याद, नाऊ याद आ गया तो लखनऊ अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कर्नाटक, कर्नाटक कहाँ है? बैंगलोर। तो आप अपने छोटे वाले भाई को बोल रहे थे कि नाटक मत कर, नाटक मत कर, कर्नाटक हो सकता है, कर्नाटक मतलब कर्नाटक, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग मैं बना रहा हूँ, ठीक है, आप भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, कर्नाटक, मैंने बोला कि नाटक मत कर, छोटे वाले भाई को अपने, मैंने क्या बोला कि नाटक मत कर, क्यों नाटक, वो नाटक क्यों कर रहा था पता है, क्योंकि उसको चाहिए था बैंक, वो बोल रहा था कि मुझे पूरा एसबीआई बैंक ला के दे मेरे घर पे, तो मैंने उसको बोला कि चल ठीक है नाटक कम कर, मैं बैंक ला रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक जा रहा हूँ, एसबीआई का बैंक से उठाऊंगा लाके तुझे दे दूंगा, ठीक है, तो मैंने उसको क्या बोला कि मैं बैंक ला रहा हूँ, नाटक मत कर, नाटक मत कर, मैं बैंगलोर बैंक को ला रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है टॉपिक, ठीक है, फटाफट आप इसको मेमोराइज करते चले जाइए, मध्य प्रदेश भोपाल, ऐसा इमेजिन करिए कि भारत में मध्य में ज्यादातर पाल कास्ट वाले लोग रहते हैं, पाल, ठीक है, पाल मतलब कोई भी नाम, ठीक है, मेरा नाम विनीत है तो विनीत पाल, मुकेश पाल, अंबानी पाल, ठीक है, बिल गेट्स पाल, तो इस तरह से पाल, तो पाल वाले सब कहाँ रहते हैं, हमारे भारत के नक्शे के मध्य में रहते हैं, मध्य में एकदम सेंटर पे ज्यादातर पाल कास्ट वाले रहते हैं, तो मध्य प्रदेश से भोपाल, ठीक है। पंजाब, पंजाब का क्या है? चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब का क्या है? चंडीगढ़ हरियाणा, तो पंजाब का क्या है? चंडीगढ़ हरियाणा, यहाँ सॉरी सॉरी, पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, चंडीगढ़ को कैसे याद करेंगे, देखिए पंजाब, अब हरियाणा से नहीं याद करना है, सिर्फ पंजाब से याद करना, क्योंकि पंजाब और हरियाणा इतना तो अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको तो इतना तो पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब एंट्रेंस एग्जाम के लिए लगते हैं, तो वहां पे अगर आप दे रहे हो तो पंजाब यहाँ है, हरियाणा साउथ में है और हमारा पंजाब नॉर्थ में, इतना तो आप करोगे नहीं, ठीक है, पंजाब हरियाणा दोनों वही है और इन दोनों की राजधानी कौन है? चंडीगढ़, तो एक ही याद कर लीजिए, पंजाब, आपने पूरे पंजे से गढ़ को उठा लिया, किसको उठा लिया? गढ़, गढ़ मतलब किला,
आपने पूरे के पूरे गढ़ को उठा लिया। किससे? पंजाब से। अब हरिया भी याद कर सकते उसी से, एक हरिया नाम के व्यक्ति ने अपने पूरे के पूरे पंजे से गढ़ को उठा दिया, ये भी बना सकते हो। तो हरिया नाम के व्यक्ति ने पूरे के अपने पूरे पंजे से क्या उठा दिया? पूरी की पूरी गढ़ को उठा दिया। ठीक है, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? ईटानगर। अरुणा नाम की लड़की को, एक अरुणा नाम की लड़की है जिसको आप ईटा फेंक के मारते हो, ईट फेंक के जोर से मारते हो। ठीक है, आप क्यों मारते हो? आपके ऊपर है। ठीक है, आप सोचिए कि आपने क्या ऐसा काम किया कि आपको ईट फेंक के उसको मारनी पड़ी। तो अरुणा नाम की लड़की को आपने क्या किया? ईट फेंक के मारा जोर से, वो आई थी और आपने उसको गुस्से में ईट फेंक के मार दिया, तो ईटानगर। नेक्स्ट असम। असम से दिसपुर। असम से क्या है? दिसपुर। अब देखिए असम, आपने किसी को बोला, किसी को बोला मतलब आप समझ रहे हैं, आपने किसी को बोला कि आसाम को, आसाम को कहां से? दिशा पूरब से। पूरब दिशा से आ, कौन सी दिशा से आ? पूरब दिशा से आ, तो दिशा पूर्व, दिशा पूर्व से आ, शाम को आना, बता दे रहे हो। ठीक है, आना शाम को, शाम को आना, आ शाम को कौन सी दिशा से? पूर्व दिशा से, दिशा पूर्व। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 21। इसके बाद के जो बचते हैं, छत्तीसगढ़ हो गए, मिजोरम, गोवा, ठीक है, दो चार और बचे हुए हैं, वो भी मैं अभी करा दूंगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? 21। अब आप वीडियो स्टॉप करिए और दो मिनट के लिए पेन और पेंसिल लेके, पेन और एक पेज लेके देखिए, आप फटाफट खाली ये देखिए और ये देखिए और आंसर लिखिए सीधा। ठीक है, तमिलनाडु का चेन्नई जगह, बिहार का पटना, राजस्थान, जयपुर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, तेलंगाना, हैदराबाद, नागालैंड, कोई मैं नाग देखा इसलिए कोई है वहाँ, मेघालय, बोरा की सिलान, पूरा का पूरा सिख मार्जा, सिक्किम, गंगटोक, गंगा नाम के लड़के जो आपको टोक देती है, आंध्र प्रदेश, ये भी हैदराबाद हो जाएगा, पश्चिम, पक्षी क्या करेंगे, गोल खाता है, कोलकाता है, मिजोरम, आइजोल, गुजरात, मैं बता रहा हूँ आपको याद हो चुका रहेगा, बिल्कुल याद हो चुका रहेगा, राइट ब्रेन में चीजें घुस गई रहेंगी। आप तुरंत पेन लीजिए और पेंसिल लीजिए और पेज लीजिए, उस पे लिख के देखिए, मैं बता रहा हूँ आप तुरंत इसको लिख सकते हैं। तो ये टोटल 21 हो गए। इसके जस्ट अगले वीडियो में मैं बात करूंगा पूरी की तरह से, एक ही वीडियो में, इसके जस्ट अगले वीडियो में मैं पूरी की पूरी और जितने ही बचे हुए, 21 तो हो ही चुके हैं, लगभग 5-6 और बचे हुए, ठीक है, 28 है हमारा, वो मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए।